स्तापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। उसमें तंत्र साधना के समय श्री राम कृष्ण देव की अंग कांति, उनके अंग में जो प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैला रहता था, उत्पवित होता था, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसकी अंग कांति इतनी अधिक वर्धित हुई थी कि लोग उनकी तरफ एक टक से देख रहे थे। और श्री राम कृष्ण देव माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते कि माँ, मेरे लिए इस बाह्य रूप की किंचित मात्र की आवश्यकता नहीं है, इसे लेकर तू मुझे आंतरिक आध्यात्मिक रूप प्रदान कर। कोई सामान्य साधक होता तो इसी की कामना करता है, मगर श्री राम कृष्ण देव जब साधना करते हैं तो विपरीत भाव उत्पन्न होता है। और जब कामारपुकुर से जयराम बेटी होकर सियोड़ गांव में जाने वाले थे, उसकी घटना भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें श्री राम कृष्ण देव ने भोजन कर लिया, उसके बाद उन्होंने पान खाकर लाल रेशमी वस्त्र तथा बाह में स्वर्ण का इष्ट कवच धारण कर जब तैयार हुए थे वो सियुड़ गांव जाने के लिए, तब बाहर निकल के देखे कि बहुत लोग वहां पे खड़े हुए। तब श्री रामकृष्ण देव साथ में जो हृदय था उसको बोलते, अरे रिदु, यहां इतनी भीड़ किस लिए है? तब हृदय कहते हैं कि मामा, आप जो वहां जा रहे हैं और इतने दिनों तक आपके दर्शन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग यहां खड़े हैं। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं और बहुत ही दुखी हुए और कहते हैं कि अरे, मैं वहां जहां जाऊंगा वैसे ही ऐसी भीड़ होगी। तब वो सब अपने कमरे में चले गए और वस्त्र त्याग के दूसरे वस्त्र पहनकर फिर हट करके बैठ गए। कहते हैं कि जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे करके वो बैठ गए। और तब क्षुभित तथा दुखी होकर वे चुपचाप बैठ गए। दीन भाव से परिपूर्ण श्री राम कृष्ण देव उस दिन वास्तव में ही जयराम बाटी तथा सियुड़ गांव नहीं गए। बहुत कुछ समझाया हृदय तथा घर के लोगों ने उन्हें, बहुत कुछ समझाया, परंतु उन लोगों के सब प्रयास व्यर्थ गए। तो श्री राम कृष्ण देव कहते कि मां को प्रार्थना किया कि बाह्य रूप लेकर मुझे आंतरिक आध्यात्मिक आंतरिक रूप प्रदान कर। तब परम पूजनीय श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज अपने इस ग्रंथ में लिख रहे हैं, कहते हैं कि पाठक, तुम ही विचार कर देखो कि अपने शरीर के प्रति इस अलौकिक महापुरुष की कितनी तुच्छता है बुद्धि थी। बोले श्री राम कृष्ण देव की अपने ही शरीर के प्रति कितनी तुच्छ बुद्धि रखते थे। एक हार्ड मांस का बोले एक लोचा है, एक पिंजर है, उसके प्रति ही लोग आकर्षित होते हैं, मगर इसके अंदर जो है उसको कोई नहीं देखता है। तब कहते हैं और हम लोगों की स्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दो।
महाराज कहते हैं कि देखिए ठाकुर की क्या अवस्था है, हम लोगों की स्थिति पे तो थोड़ा ध्यान दो। कि हम अपने रूप को लेकर किस प्रकार उम्मत बने हुए हैं, उसे घसने रगड़ने। महाराज कह रहे हैं कि हम देखिए अपने रूप के लोग कितने व्यस्त रहते हैं, तो उस रूप को लेने के लिए, बाह्य कांति को वर्धित करने के लिए, सुंदरता अर्पित करने के लिए इस शरीर को क्या करते हैं, बोले घसने रगड़ रहे, उसको हम लोग घसते हैं, रगड़ते हैं कि जैसे सुंदर हो। दर्पण कंगी, बोले दर्पण में जाके उसको कंगी करते हैं बालों की, ऐसे और सुंदरता दिखते हैं, उसके ऊपर साबुन लगाते हैं। साबुन, एसेंस, मोपेड आदि जुटाने में हम किस तरह लगे हुए हैं। शरीर की सुंदरता को वर्धित करने के लिए हम कितने लगे हुए हैं कि कैसे ये शरीर सुंदर लगे, वो महाराज कह रहे हैं। तथा पाश्चात्य का अनुकरण करते हुए इस हाड़ मास के पिंजरे पर नित्य प्रति भ्रांति को अतिशय रूप से बढ़ाते हुए एकदम विनाश की ओर अग्रसर होने के लिए कैसे छटपटा रहे। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि इतना सारा रगड़ना, साबुन लगाना, ये सब करने के बाद किस तरह से लगे हुए हैं पाश्चात्य का अनुसरण करके। जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका अनुकरण करते हुए इस हाड मांस के पिंजरे पर, बोले तो हाड मांस का पिंजरा है, उसके अंदर जो दिव्यता छुपी हुई है उस दिव्यता का जागरण करना है, उसको जानना है, वो हमारी भारतीय संस्कृति। बाह्य जितने भी प्रकाश है उसको ध्यान में न रख के अंदर की जो दिव्यता है उसको प्रकाशित करना, ये भारतीय संस्कृति है। हाड़ मास के पिंजरे पर नित्य प्रति भ्रांति को अतिशय रूप से बढ़ाते हुए, बोले हाड़ मास के पिंजरे को ही आप रूपवान बना रहे हैं, अंदर की जो दिव्यता है, अंदर की जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक जो रूप है उसको प्रकट करना है। बढ़ाते हुए हम एकदम विनाश की ओर अग्रसर होने के लिए, बोले बाह्य रूप को ही कर रहे हैं प्रकाशित, बोले विनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं, अग्रसर होने के लिए कैसे छटपटा रहे हैं। इसलिए हिमालय में आप देखेंगे साधु या कोई भी तपस्वी योगी है, शरीर के प्रति बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, माइनस कितने ही डिग्री टेम्परेचर हो, बर्फ गिरी हो, ठंडा हो, फिर भी बिना वस्त्र, कुछ अल्प वस्त्र पहन के वो लोग साधना कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो या योगी हो, कोई भी हो। शुद्ध स्वच्छ होकर पवित्र भाव से पूर्ण रहना एवं पूर्वोक्त प्रकार का आचरण करना, ये दोनों क्या एक ही बात है? इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने जो आचरण किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जहां भी जाऊंगा लोग ऐसे ही भीड़ लगाएंगे मुझे देखने के लिए, और उस दिन सही में उन्होंने जब भोजन करके जब पान खाए थे तो उनके जो ओठो है वो लाल हो चुके थे, रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और इष्ट कवच जो थे सुवर्ण वो पहने हुए थे, इतने सुंदर वो लग रहे थे। मगर श्री रामकृष्ण देव एक विपरीत भाव में भाविष्ट हो गए और बहुत क्षोभित हुए और घर में चले गए। तो ये घटना श्री रामकृष्ण देव में जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि अंग की कांति को भी माँ से प्रार्थना करें कि तुम इसे ले लो, तुम इसे ले लो, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यथा समय उनकी ये पात्रा पूर्ण हुई थी, उसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है, जैसे ये हमने पढ़ा। भैरवी ब्राह्मणी श्री योग माया की असंभूत थी। तंत्रोक्त साधना के समय ब्राह्मणी ने जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की सहायता की थी,
हम लोग ने पूरा तंत्र साधना जो घटना हुई थी उसकी हमने चर्चा की, उसमें हमने देखा कि कैसे ब्राह्मी ब्राह्मणी श्री राम कृष्ण देव को तंत्र साधना करने के लिए कहां कहां से नर मुंड, कहां कहां से कुछ जितनी भी आवश्यकता थी, कहीं कहीं दूर से वो सब साधन सामग्री इकट्ठा करके वो पंचवटी में ले आती थी और श्री राम कृष्ण देव के साधना में वो कितनी सहायता हुई थी, सहायक हुई थी, ये हमने उसकी चर्चा पहले की है। तो कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव की सहायता की थी, श्री राम कृष्ण देव ने भी आगे चलकर ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण के आध्यात्मिक जीवन के पूर्णता संपादन में विशेष सहायता प्रदान की थी। पहली मुलाकात के बाद तंत्र साधना करने के समय भैरवी ब्राह्मणी ने श्री राम कृष्ण देव को साधना में सहायता की, किंतु परवर्ती काल में जब भैरवी ब्राह्मणी को श्री राम कृष्ण देव की सहायता की जरूरत पड़ी थी, तब श्री राम कृष्ण देव ने भैरवी ब्राह्मणी को सहायता दी थी, आध्यात्मिकता सहायता। उनके द्वारा ऐसा न किए जाने पर, उनके माने श्री राम कृष्ण देव के द्वारा ऐसा न किए जाने पर ब्राह्मणी के लिए दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होना संभव नहीं था, कभी संभव नहीं था। यदि श्री राम कृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी को सहायता नहीं करते, कैसी सहायता, बोले आध्यात्मिक जीवन के पूर्णता संपादन में यदि ठाकुर उसको सहायता नहीं देते तो संभव नहीं था। इस बात का आभास अन्यत्र दिया गया है, ये हम लोग चर्चा करेंगे कैसे श्री राम कृष्ण देव ने भैरवी ब्राह्मणी को सहायता प्रदान की थी। वीर शादी का ब्राह्मणी उस समय तक दिव्य भाव की अधिकारिणी नहीं हो पाई थी, भले ही उन्होंने बहुत साधनाएं की थी, तंत्र के शास्त्र के अध्ययन किए थे, किंतु वो जो दिव्य भाव है उसकी अधिकारिणी अभी तक नहीं हो पाई थी। वीर भाव के साधन में अग्रगण्य होने पर भी भैरवी ब्राह्मणी तब तक दिव्य भाव की अधिकारिणी नहीं हो पाई थी। श्री राम कृष्ण देव के ज्वलंत दृष्टांत को देखकर तथा उनकी सहायता प्राप्त करने के पश्चात ही दिव्य भाव के अधिकार को प्राप्त करने की आकांक्षा ब्राह्मणी के अंदर उदित हुई थी। ठाकुर की सहायता प्राप्त करने के पश्चात ही ऐसे कह रहे, ब्राह्मणी ने देखा कि सिद्धि मीन्स के भाग या कारण मंत्रपुत मदिरा, कारण मीन्स मंत्रपुत मदिरा को ग्रहण करना तो दूर रहा, कारण का नाम सुनते ही श्री राम कृष्ण देव जगत कारण ईश्वर भाव में विह्वल हो जाते थे। उसका तो छोड़िए, कारण का तो ग्रहण करने की बात ही छोड़िए, बोलते कि सिर्फ नाम सुनते ही वो महाभाव में लीन हो जाते थे। स्त्री मूर्ति की चाहे वो सती हो अथवा नटी, जहां भी नारी मात्र का चिंतन हुआ, स्त्री मूर्ति की चाहे वो सती हो या नटी, ये भी हम लोग देख रहे हैं। मथुर बाबू श्री राम कृष्ण देव को नटी के पास ले गए थे, उसमें भी श्री राम कृष्ण देव ने जगदम्बा का दर्शन किया था। सती हो या नटी, देखने मात्र से ही उनके हृदय में श्री जगदम्बा की ग्लादिनी तथा संदिनी शक्ति की बात उदित होकर उनके अंदर संतान भाव जागृत हो उठता है। जैसे ही स्त्री को देखते, नारी को देखते, तो श्री राम कृष्ण देव के अंदर वो बालक भाव, संतान भाव, एक शिशु भाव उसमें उदित होता है। जैसे भैरवी ब्राह्मणी को भी जब पहली बार मुलाकात हुई थी दक्षिणेश्वर के गंगा के किनारे, तब भी श्री राम कृष्ण देव के अंदर भैरवी ब्राह्मणी के प्रति वो मातृभाव उत्पन्न हुआ था और खुद में एक बालक सा भाव उत्पन्न हुआ था। संतान भाव जागृत हो उठता है एवं सुप्त अवस्था में भी कांचन आदि धातुओं का संपर्श होने पर उनके हस्त आदि, ये भी घटना एक हुई थी उसकी जब हम चर्चा करेंगे बाद में तब विशेष करेंगे कि श्री राम कृष्ण देव कुछ धातु को छूते थे तो उनके हाथ जो है सिकुड़ जाते थे, टेढ़े हो जाते थे,
कांचनादि धातुओं का संपर्श होने पर उनके हस्त आदि अंग सिकुड़ने लगते थे। ऐसी घटना भैरवी ब्राह्मणी ने देखी। ऐसे ज्वलंत पावक के समीप रहकर किसका ईश्वर अनुराग उद्दीप्त नहीं होता हो, सबका ऐसा होता, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव जैसे सामने कोई साधक है उसके जीवन में ऐसी घटना हो रही है, उसका अनुभव स्वयं कर रही है भैरवी ब्राह्मणी। तो ऐसा कौन साधक हो, कौन व्यक्ति हो कि जिसके अंदर ईश्वर अनुराग उद्दीप्त न होता हो, कौन ऐसा कौन है जो इस दो दिन के विषय वैभव आदि की प्रति अनासक्त होकर ईश्वर को ही अपने से भी अपना। उस समय श्री रामकृष्ण देव के साथ साधना करते करते कहते हैं कि ऐसा कौन है कि बाकी जो ये बाह्य जो संसार है, रूप रसादि है, उसको त्याग कर अनासक्त होकर ईश्वर को ही अपने से अपना चीर आत्मीय रूप से ग्रहण किए बिना रह सकता हो, कि ईश्वर ही सर्वस्व है। ऐसा जो भाव है, ऐसा कौन व्यक्ति है कि ऐसे महापुरुष के साथ रहते हुए ऐसा भाव उदित उसमें न होता हो। इसलिए हम ये सुनते हैं कि ब्राह्मणी ने अपने जीवन के अवशिष्ट काल को तीव्र तपस्या में व्यतीत किया था, क्योंकि श्याम कृष्ण देव के संसर्ग में आपे भैरवी ब्राह्मणी के अंदर भी तीव्र तपस्या का भाव उत्पन्न हुआ था, जो पहले ही कहा गया था कि दिव्य भाव की अधिकारिणी नहीं हो पाई थी इतने सालों की तपस्या होने के बाद। मगर जब श्री राम कृष्ण देव के संसर्ग में आई तब उनको ये तीव्र तपस्या में व्यतीत किया था। कर अवशिष्ट काल तंत्र साधना होने के बाद और किसी के साथ श्री राम कृष्ण देव के विशेष मिलने जुलने से अथवा अन्य किसी ईश्वर बतक साधक के प्रति उनके द्वारा अधिक सम्मान पद्धति किए जाने पर, अब ये क्या होता है कि इतने सालों तक श्री राम कृष्ण देव के साथ साधना करने के बाद भैरवी ब्राह्मणी के मन में एक विचार आता है, ईश्वर भक्त साधक के प्रति उनके द्वारा अधिक सम्मान प्रदर्शित किए जाने पर ब्राह्मण के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है। यह बात भी हमने श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी। अब ईर्ष्या उत्पन्न हुई भैरवी ब्राह्मणी के मन में। कैसी ईर्ष्या? कि श्री राम कृष्ण देव के विशेष मिलने जुलने से, दूसरे के साथ विशेष मिलने जुलने से और भैरवी ब्राह्मणी को थोड़ा कम मिलने जुलने से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है, तो भैरवी ब्राह्मणी को ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि वो व्यक्ति को अधिक सम्मान दे रहे हैं। तो ये भाव भैरवी ब्राह्मणी के हृदय में उत्पन्न हुआ। अत्यंत लाडला बालक यदि बड़ा होने पर घर के और किसी से प्रेम करने लगे, अब एक छोटा बच्चा है किसी के घर में, उसकी दादी और नानी जो भी हो, तो उसको पार करके बड़ा करते हैं और ये बालक बड़ा होने पर घर के किसी से प्रेम करने लगे अथवा उसका आदर सम्मान करने लगे, तो उसकी दादी या अन्य किसी वृद्ध आत्मीय महिला के, जिसके द्वारा उस समय तक उसका लालन पालन होता रहा है, जिस वृद्ध महिला या दादी या जो भी हो, उसने जन्म से लेकर बड़े तक जो उसने जो लालन पालन किया है इस व्यक्ति बालक का, और ये बालक जब बड़ा हो जाता है तब क्या करता है कि दूसरे को ज्यादा प्रेम करता है। वो बालक बड़ा होने के बाद तब ये जो जिसने पालन किया है उसके हृदय में जिस प्रकार ईर्ष्या दुख तथा कष्ट होने लगता है, ये एक उदाहरण दे रहे हैं महाराज।
और जो जिसने बड़ा किया है उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि इस छोटे बालक जो है बचपन से मैंने अभी इतना बड़ा किया, अब ये बालक दूसरे को ज़्यादा सम्मान दे रहा है, तो एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और दुख होता है, कष्ट होने लगता है। श्री राम कृष्ण देव के प्रति ब्राह्मण का यह भाव भी ठीक उसी प्रकार का था कि तंत्र साधना इतने सालों तक की, उसमें श्री राम कृष्ण देव ने पूर्णता प्राप्त की। अब श्री राम कृष्ण देव किसी दूसरे को ज्यादा सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं तो भैरवी ब्राह्मण के हृदय में वो ईर्ष्या उत्पन्न हुई। यह बात सहज ही में हृदयगम की जा सकती है, बोले सहज ही में समझ जा सकता है, क्योंकि सामान्य घटनाओं में ऐसा ही देखा जाता है। किंतु ब्राह्मणी सदस्य ऐसी उच्च स्तर की साधिका के हृदय में इस प्रकार के भाव का उदय होना उचित नहीं था। ये महाराज जी कह रहे हैं कि सामान्य लोगों के अंदर ऐसा भाव, ईर्ष्या का भाव उचित हो वो सामान्य बात है, मगर भैरवी ब्राह्मणी जैसी एक उच्च साधिका के अंदर ऐसा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ वो उचित नहीं है। जिन्हें श्री राम कृष्ण देव को खाते पीते सोते उठते बैठते 24 घंटे, क्योंकि जब से भैरवी ब्राह्मणी से उनकी मुलाकात हुई तब से श्री राम कृष्ण देव के साथ ही भैरवी ब्राह्मणी थी और तंत्र साधना की थी। तो कहते हैं कि खाते पीते सोते उठते बैठते 24 घंटे भैरवी ब्राह्मणी उनके साथ थी। दिन रात इतने काल तक सारी अवस्थाओं में सब प्रकार से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। किसको? श्री राम कृष्ण देव को देखने का अवसर भैरवी ब्राह्मणी को प्राप्त हुआ था हर समय, क्योंकि साधना में लगे हुए थे तो हर समय भैरवी ब्राह्मणी और श्री राम कृष्ण देव साथ में रहते थे और ऐसा अवसर उसको प्राप्त हुआ था। उनके लिए ऐसा होना न्याय संगत नहीं था। उनको यह जानना चाहिए था कि बोले श्री राम कृष्ण देव को तुमने 24 घंटा देखा है फिर भी तुम्हारे अंदर ये ईर्ष्या का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको ये जानना चाहिए था, किसको? भैरवी ब्राह्मणी को ये जानना चाहिए था कि श्री राम कृष्ण देव का प्रेम तथा श्रद्धा आदि दूसरों की भांति क्षणस्थायी नहीं थे। ये भैरवी ब्राह्मणी को जानना चाहिए था कि श्री राम कृष्ण देव ने जो प्रेम और श्रद्धा और आदर जो भैरवी ब्राह्मणी को दिया था वो क्षण स्थायी नहीं था, क्षणिक नहीं था, वो तो चीर काल के लिए श्री राम कृष्ण देव ने उसको दे दिया था, मगर भैरवी ब्राह्मणी को ये समझ में नहीं आई बात और उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि श्री राम कृष्ण देव दूसरे को क्यों ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। उनको यह विदित होना चाहिए था कि श्री राम कृष्ण देव ने उनके प्रति एक बार जो श्रद्धा भक्ति अर्पित की थी, किसको? भैरवी ब्राह्मणी को यह जानना चाहिए था कि श्री राम कृष्ण देव ने इतने कालों तक इतने लंबे समय तक जो श्रद्धा भक्ति अर्पित की थी वह सदा के लिए ही उन्हें अर्पित की जा चुकी थी। क्यों? श्री राम कृष्ण देव का जो पवित्र मन, बालक स्वभाव, मातृभाव उसमें उत्पन्न हुआ था और जो श्रद्धा संपन्न और भाव भैरवी ब्राह्मणी को दिया तो क्षणिक नहीं थी कि नहीं इतने तंत्र साधना जब तक कर रहे हैं तब तक ही श्री राम कृष्ण देव उसको सम्मान देंगे, ऐसा नहीं था, उस काल के लिए नहीं था। श्री राम कृष्ण देव ने तो चीर काल के लिए, अनंत काल के लिए वो श्रद्धा उन्होंने दे दी थी, मगर ये समझने की शक्ति भैरवी ब्राह्मणी में नहीं थी, वो नहीं समझ पाए, इसलिए उसके अंदर ये ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ था। उसमें कभी ज्वार बाटा उपस्थित नहीं होता था, ये जो श्रद्धा हुई थी कभी ज्यादा कभी कम ऐसा नहीं था। जैसे समुद्र में ज्वार बाटा आता है तो कभी
पानी ज़्यादा होता है फिर कम होता है, ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण देव का जो प्रेम है वो निरंतर एक ही जैसा था, और साधना समाप्त होने के बाद भी श्री रामकृष्ण देव ने सब कुछ उनको समर्पित किया था, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही उनके प्रति भक्ति और सम्मान दिया था। किंतु हाय, देखिए अब महाराज जी कह रहे हैं कि उसका कारण क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ। किंतु हाय, माईक प्रेम तथा नारियों का हृदय, बोले माया से उत्पन्न हुआ माईक प्रेम और नारियों का हृदय। नारियों का हृदय कैसा है वो अब महाराज कह रहे हैं, तुम सदा ही अपने प्रेम पात्रों को सर्वदा के लिए बांधकर अपना बना रखना चाहते हो। जिसको तुम प्रेम कर रहे हो वो नारी के हृदय में ऐसा ही होकर के मैं जिसको प्रेम कर रही हूं उसको हमेशा अपने पास रखना चाहती हूं, बांध कर रखना चाहती हूं। ये एक स्वाभाविक भाव है नारियों के हृदय में, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि माईक प्रेम तथा नारियों का हृदय, तुम सदा ही अपने प्रेम पात्रों को, चाहे जो जिसको भी वो प्रेम प्रेम करे, चाहे वो एक शिशु बालक ही क्यों ना हो, प्रेम पात्रों को सर्वदा के लिए बांधकर अपना बना रखना चाहते हो, नहीं वो कहीं नहीं जाए, मेरे पास ही रहे और कहीं ना जाइए, बांध कर रखना। एक शिशु बालक को भी पास में रखना या अन्य कोई व्यक्ति को भी पास में रखना, बांध कर रखना और कहीं ना जाए, उसे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं, स्वतंत्रता कभी नहीं देंगे। नारी का हृदय जो है बोले स्वतंत्रता नहीं देंगे, हमेशा साथ में रहे, बांध कर रखें। तुम यह समझते हो कि स्वतंत्रता मिलते ही तुम्हारे प्रेम पात्र फिर तुम्हारे नहीं रहेंगे, ये भी एक भाव है कि यदि मैं जिसे प्रेम कर रही हूं उसको यदि मैंने स्वतंत्रता दे दी तो अन्य कहां, अन्यत्र चले जाएंगे और मेरे पास नहीं रहेंगे, तुम्हारे नहीं रहेंगे, ये उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता मिलते ही तुम्हारे प्रेम पात्र फिर तुम्हारे नहीं रहेंगे, तुमसे भी अधिक और किसी से प्रेम करने लगेंगे। नारी वही सोचती है कि यदि मैंने अपने किसी प्रेमी को यदि स्वतंत्रता दे दी तो मुझसे ज्यादा किसी और को वो प्रेम करेंगी करेंगे, ये उनके मन में भाव आता है। तुम नहीं समझते हैं कि तुम्हारी आंतरिक दुर्बलता ही तुम्हारे इस प्रकार आचरण करने की शिक्षा देती है। जिसके हृदय में ऐसे भाव होता है तो कहते हैं कि तुम्हारी आंतरिक दुर्बलता ही ऐसी है, इसलिए तुम ये समझते हैं कि यदि मैंने उनको स्वतंत्रता दी तो मेरे से ज्यादा अन्यत्र कहीं पे चले जाएंगे, तुमसे भी अधिक और किसी से प्रेम करने लगेंगे। ये जो भाव है तुम्हारी आंतरिक दुर्बलता के कारण ऐसा हो रहा है। तुम ये नहीं समझते हैं कि जो प्रेम पात्र को स्वतंत्रता नहीं देता, जो अपने को संपूर्ण रूप से विस्मृत कर प्रेम पात्र जो कुछ चाहता है उसमें आनंद अनुभव नहीं कर पाता। कितनी सुंदर उन्होंने बात कही, ये हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये पाते हैं, उनकी दिव्य लीला में कृष्ण की। तुम यह नहीं समझते कि जो प्रेम पात्र को स्वतंत्रता नहीं देता, जो अपने को संपूर्ण रूप से विस्मृत कर प्रेम पात्र जो कुछ चाहता है, जिसे भी हम प्रेम पात्र जो कुछ उसकी इच्छा है, सामने वाले की जो भी इच्छा है उसके अंदर सम्मति प्रकट करना, उसमें आनंद अनुभव नहीं कर पाता,
सामने वाला जो चाहता है उसमें आनंद नहीं होता, क्यों उसको बंधन में रखते हैं? बंधन में क्यों रखते हैं? यदि उसको स्वतंत्रता दी तो मेरे से भी किसी को अन्यत्र जाके उसको प्रेम करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ऐसे में आनंद अनुभव नहीं कर पाता वह प्रेम प्रायः स्वल्प काल में ही विनष्ट हो जाता है। बोले ऐसा प्रेम वो कुछ ही दिनों में विनष्ट हो जाएगा। इसलिए आज के समाज में हम देखते हैं कि डिवोर्स हो जाता है, क्यों? ये ईर्ष्या का भाव, अपने पति या अपने पत्नी को स्वतंत्रता नहीं देता, दोनों का है। स्वतंत्रता नहीं देने से वो प्रेम प्राय ही स्वल्प काल में ही विनष्ट हो जाता है। विवाह हुआ और कुछ दिन के बाद ही विवाह खत्म हो गया। ये कितने सालों पहले किताब लिखी गई थी, मगर ये नियम है, ऐसा होता है, ये स्वभाव है। मगर इसके विपरीत जैसे भगवान श्री कृष्ण कितनी ही गोपियों के साथ बात करते थे, कितनी ही गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, मगर राधा के अंदर एक अंश मात्र भी कोई ऐसा संदेह नहीं उत्पन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता था कहीं पे कि श्री कृष्ण कहीं गोपियों के साथ बात कर रहे हैं, तब किसी ने राधा जी को पूछा कि अरे तुमको खराब नहीं लग रहा है, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है कि देखिए कृष्ण किसी राधा के साथ, अरे गोपियों के साथ बात कर रहे हैं? तब श्री राधा जी ने कहा कि नहीं, मुझे उससे कोई चिंता नहीं हो रही है, मुझे चिंता ये हो रही है कि जितनी भी राधाएं हैं उसको पता, जितनी भी गोपियां हैं उसको पता नहीं है कि मेरे कृष्ण को कब पानी चाहिए, कब उसको प्यास लगेगी, कब उसको पानी चाहिए, कब उसको विश्राम करना है, कब किसकी उसकी आवश्यकता है, उसको पूर्ण कब करनी है, वो गोपियों को पता नहीं है, इसकी मुझे चिंता है। देखिए ये सच्चा प्रेम, भले ही वो गोपियों के साथ बात करे। और राधा और कृष्ण तो अलग थे ही नहीं। जब उद्धव जी आते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेके राधा और गोपियों के पास, उद्धव जी कहते हैं राधा जी को, अरे उसको भूल जाइए, उसको याद रखने से आपको कष्ट हो रहा है। तब राधा जी बोलते हैं, कौन बोला तुमको कष्ट हो रहा है, किसने संदेश दिया ऐसा, हमको तो इस कष्ट में भी आनंद हो रहा है, और तुम ज्ञान की बातें करते हो बड़ी बड़ी, देखो कृष्ण तो हमारे साथ ही है, अभी है, हम तुमको दिखा सकते हैं। और जैसे ही राधा ने प्रार्थना की, श्री कृष्ण राधा जी के बगल में बैठे हुए पाए जाते हैं, और उद्धव जी को विश्वास नहीं हो रहा कि यहां वो तो कृष्ण उधर है, इधर कैसे आ गए। उन्होंने उसके चरण स्पर्श किए, उसके हाथों को स्पर्श किया कि सही है या गलत है, ये सत्य है। तब राधा जी ने कहा, देखे हमसे हमारे कान्हा जो है कहां अलग है, वो हर क्षण हमारे साथ है। ये प्रेम की परिभाषा है, वो वहां है, तुमको कौन बोला के कष्ट हो रहा है, हमको आनंद है, क्यों? कान्हा हमारे साथ है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम जो है स्वल्प काल में ही विनष्ट हो जाता है, संदेह ईर्ष्या बंधन में रखना। अतः वास्तव में यदि किसी के प्रति तुम्हारा हार्दिक प्रेम है तो तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। यदि सच्चा प्रेम है, जैसे राधा जी का यदि प्रेम है, चाहे जितने ही वो गोपियों के साथ बात करे, सच्चा प्रेम है तो निश्चिंत रहना चाहिए, तुम्हारा प्रेम पात्र सदा तुम्हारा ही बना रहेगा। और वह विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम केवल तुमको ही नहीं, वो जो विशुद्ध प्रेम है उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति से बोले तुमको ही नहीं,
अपितु उसको भी अंत में ईश्वर दर्शन कराकर समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। ऐसा सच्चा प्रेम यदि रहा तो ईश्वर दर्शन तक करा सकता है। ब्राह्मणी, अब देखते हैं कि श्री राम कृष्ण देव की कृपा से ब्राह्मणी के अंदर आध्यात्मिक अभाव बोध का जागृत होना तथा तपस्या के लिए उसका प्रस्थान। अब ये जो ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ था भैरवी ब्राह्मणी के हृदय में, ब्राह्मणी उच्चतर की प्रेमिक शादी का होती हुई भी पूर्वोक्त बात को क्यों नहीं समझ पाई? ये जो महाराज ने जो कहा, ये जो सत्य है, वो इतनी उच्च शादी का होने के बाद भी बोले क्यों समझ नहीं पाई? श्री रामकृष्ण देव का जो प्रेम है वो मातृभाव संपन्न प्रेम था, और एक बार दे दिया तो दे दिया, उसमें ज्वार बाटा नहीं था, वो अनंत काल के लिए दे दिया था। और ये सामान्य बात भैरवी ब्राह्मणी के मन में क्यों आई, क्यों नहीं समझ पाई? तब शारदा ने जी, हाय नारी हृदय, अथवा समझ कर भी उस संबंध में दृढ़ धारणा बनाने में क्यों नहीं समर्थ हुई? समझ पाई फिर भी वो समर्थ क्यों नहीं हुई? यह हमें अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। बोले अत्यंत आश्चर्यजनक होता है कि खुद उतनी उच्च साधी का, उसमें भी श्री रामकृष्ण देव इतने उच्च साधक, फिर भी ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हुआ? वो आश्चर्यजनक है। ईर्ष्या क्यों उत्पन्न हुई? किंतु वास्तव में उनके भीतर उस धारणा का अभाव था, और सौभाग्यवश श्री रामकृष्ण देव के गुरु बनने के कारण भी उनके हृदय में इस प्रकार के भावों का क्रमशः उदय होने लगा था। अब श्री रामकृष्ण देव गुरु बनने के बाद ऐसा ही क्रमशः, कैसा बोलते कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सदा सब लोग मेरी ही बातों को मानकर चले, इसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये भाव भैरवी ब्राह्मणी के अंदर आया था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, और बाकी जितने भी लोग श्री रामकृष्ण देव के साथ वहाँ पे वार्तालाप कर रहे थे, श्री रामकृष्ण देव उसको सम्मान दे रहे थे, तब श्री भैरवी ब्राह्मणी के अंदर ये भाव आया था। क्यों? भैरवी ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव को तंत्र साधना करवाई थी, सहायता दी थी, इसलिए ये भाव आया था, श्रेष्ठता का भाव। 3 दिन में श्री रामकृष्ण देव ने तंत्र साधना में पारंगत हुए थे, सफलता प्राप्त की थी। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सदा सब लोग मेरी ही बातों का मानकर चले, ये सब जगह ऐसा देखा जाता है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। एक सामान्य घर में भी ऐसे ही होता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा ही श्रेष्ठ सोचता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और मैं घर का मालिक हूं, मेरी ही बात मान के सबको चलना चाहिए, इसके बिना उनका कल्याण नहीं हो सकता। बोले मेरी बात नहीं मानेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, ऐसा भैरवी ब्राह्मणी के मन में आता है। हमने सुना है कि, अब देखिए ये तो श्री रामकृष्ण देव की बातें, अन्य की बातें, अब दूसरी बातें भी कह रहे हैं। हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव कभी कभी श्री माता जी को, श्री माता जी मिलकर श्री माँ शारदा देवी को, वही रहते थे माँ नौबत खाने में। हमने सुना है कि श्री राम कभी कभी श्री माता जी को शिक्षा प्रदान किया करते थे, उससे भी उन्हें ईर्ष्या होती थी। ऐसी बातों से भी भैरवी ब्राह्मणी को ईर्ष्या होती थी, नहीं क्यों उनको ऐसा कर रहे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी बात सब मानिए। हमें यह विदित है कि श्री माता जी उनके इस भाव से सदा भयभीत तथा संकुचित रहा करती थी। अस्तु, अंत में श्री रामकृष्ण देव की कृपा से ब्राह्मणी को अपने हृदय की उस दुर्बलता का परिचय प्राप्त हो गया।
अब श्री राम कृष्ण देव की कृपा से देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भैरवी ब्राह्मणी ने श्री राम कृष्ण देव को सहायता की थी तंत्र साधना में, अब श्री राम कृष्ण देव उनको सहायता कर रहे हैं उसके इस दुर्भाव को दूर करने में, ईर्ष्या का जो भाव है उसको दूर करने में श्री राम कृष्ण देव की कृपा से, श्री राम कृष्ण देव की कृपा से ब्राह्मणी को अपने हृदय की उस दुर्बलता का परिचय प्राप्त हुआ तथा उन्होंने यह अनुभव किया कि ऐसी स्थिति में श्री राम कृष्ण देव से दूर रहने पर ही वे अपने हृदय के उस भाव पर विजय प्राप्त कर सकती है। बोले अब क्या उपाय है? बोले श्री राम कृष्ण देव से दूर रह के ही, अब जैसे ही साथ में रहेंगे फिर श्री राम कृष्ण देव दूसरे को बात करेंगे, उसको ज्यादा सम्मान देंगे और फिर ऐसी घटना आएगी, फिर ईर्ष्या उत्पन्न होगी। इससे अच्छा है, अब पता तो लग गया भैरवी ब्राह्मणी को कि मेरे अंदर ये ईर्ष्या भाव है, उत्पन्न हुआ है, अब उपाय क्या है? उपाय उन्होंने अब ये देखा कि श्री राम कृष्ण देव की कृपा से ही उनको ये बुद्धि आई कि अब क्या करेगी कि श्री राम कृष्ण देव से दूर रहने पर ही वे अपने हृदय के उस भाव पर विजय प्राप्त कर सकेगी। अब दूर रहना पड़ेगा श्री राम कृष्ण देव के, क्यों? साधना तो समाप्त हो गई, उनका जो उद्देश्य था दक्षिणेश्वर में आना वो तो हो गया, वो समाप्त हो गया, अब श्री राम कृष्ण देव से दूर रह के ही ये भाव जो है वो विजय प्राप्त कर पाएगी। साथ ही उन्होंने यह उपलब्धि की कि श्री राम कृष्ण देव के प्रति उनका यह आकर्षण सोने की साकल के द्वारा बंधन के सदृश होने पर, बोले बंधन है ये, भले ही वो सोने की है, एक साकल होती है, चेन होती है, एक लोहे की होती है, एक सोने की होती है, मगर दोनों ही तो चेन है, दोनों ही तो साकल है, दोनों ही तो बंधन का कारण है, तो उसको भी त्यागना है। श्री राम कृष्ण देव जैसे उच्च साधक के साथ इतने दीर्घ काल तक रहना, उसका सान्निध्य प्राप्त करना, श्री राम कृष्ण देव की अंत काल में कृपा प्राप्त करना, तब भैरवी ब्राह्मणी को ये लगा कि वो भी एक साकल है, वो भी एक बंधन है, अब उस बंधन से भी मुझे मुक्त होना है, दूर रहना है, अब श्री राम कृष्ण देव से भी दूर रहना है, ये उनके मन में भाव आए। सोने की साकल के द्वारा बंधन के सदस्य होने पर भी उसे त्याग कर उन्हें अपने अभिष्ट मार्ग की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, ये भैरवी ब्राह्मणी को समझ में आया कि अब मुझे और मार्ग पर, जो उच्च मार्ग है और अभिष्ट मार्ग है, वहां मुझे अग्रसर होना पड़ेगा, मुझे दक्षिणेश्वर छोड़ के श्री राम कृष्ण का संग छोड़ के और एक मार्ग मुझे लेना पड़ेगा, तभी इस जो मेरा भाव है उससे मैं जीत पाऊंगी। यदि दक्षिणेश्वर में रहे तो और कोई ऐसी घटना हो जाएगी, इससे मुझे यहां से चले जाना ही उचित है। हमारी यह स्पष्ट धारणा है कि इसलिए ब्राह्मणी ने अंत में दक्षिणेश्वर तथा श्री राम कृष्ण देव के संग का परित्याग किया था, इसीलिए रमता साधु तथा बहता पानी, ये कहावत है, रमता साधु तथा बहता पानी कभी गंदा नहीं होता है। जैसे पानी है, जल है, यदि कुछ एक तालाब छोटा सा है या कुछ कुंड है उसमें यदि बहुत सालों तक पानी रहता है तो वो गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो पानी को फिर पीने लायक नहीं रहता है। और यदि वो पानी यदि नदी में है तो नदी में जो बहता हुआ पानी है वो हमेशा स्वच्छ रहता है, वो बहता है, एक जगह नहीं रहता, बहते बहते वो स्वच्छ होता जाता है। और कहते हैं रमता साधु, मेरे साधु भी यदि किसी एक स्थान पे यदि अति वर्ष तक रहे तो उसमें भी आसक्ति उत्पन्न होती है और वो आसक्ति उसके साधक जीवन, साधु जीवन में हानिकारक है, मोह माया ममता ये सब आ जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, ईश्वर के प्रति उसका मन हटके फिर संसार के प्रति
वो स्थान के प्रति, वहाँ के व्यक्तियों के प्रति वो आसक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि साधु जो है रमता बला, वो घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसमें कलंक नहीं आता है, उसमें आसक्ति नहीं आती है। रमता साधु तथा बहता पानी कभी गंदा नहीं होता है। यह सोचकर संग रहित हो उन्होंने अपना शेष समय तीर्थ पर्यटन तथा तपस्या में संलग्न रहकर व्यतीत किया था। अब ऐसा सोच के कि मेरे अंदर जो एक कुभाव उत्पन्न हुआ है, उसका ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ है, उसका दमन करना ऐसे तो संभव नहीं है, तो एक उपाय है दक्षिणेश्वर छोड़ के, श्री राम कृष्ण देव का संग छोड़ के कहीं दूसरे एक मार्ग के ऊपर प्रशस्त होना, ये भैरवी ब्राह्मणी सोच रही है। और यह सोच के संग रहित हो उन्होंने अपना शेष समय तीर्थ पर्यटन, भारत के अनेक अनेक तीर्थों में पर्यटन उन्होंने किया और तपस्या में संलग्न रहकर व्यतीत किया था। हर एक तीर्थ में जाके, अनेक अलग अलग तीर्थ में जाके तपस्यारत हो रही थी भैरवी ब्राह्मणी, और बाकी का समय जो है उन्होंने ऐसे व्यतीत किया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव की सहायता से ही ब्राह्मणी के भीतर इस प्रकार की चेतना का संचार हुआ था। ये महत्व की बात है। भैरवी ब्राह्मणी ने तंत्र साधना में सहायता की थी, अब आखिरी के समय में श्री राम कृष्ण देव की कृपा से ही उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे अब संग रहित होकर तीर्थ पर्यटन करके अपना बाकी जो जीवन है, जो समय है, व्यतीत करना है तपस्या में। और ये जो भाव है ये कैसे उदित हुआ? श्री राम कृष्ण देव की असीम कृपा से। नहीं तो यदि वो भैरवी ब्राह्मणी वहीं पे दक्षिणेश्वर में वास करती तो न जाने क्या और अघटित घटनाएं हो जाती। मगर श्री राम कृष्ण देव ही समझ गए थे, इसलिए श्री राम कृष्ण देव ने उनकी ये सहायता की थी, उनको ये बुद्धि प्रदान की, ये सदबुद्धि दी और वो चेतना का संचार हुआ था श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव की सहायता से। देखिए गुरु भाव जो श्री राम कृष्ण देव में उत्पन्न हुआ था, उनकी सहायता से ये चेतना उत्पन्न हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी। तो ये घटना भैरवी ब्राह्मणी के अंदर हुई थी। ब्राह्मणी का नाम योगेश्वरी तथा श्री राम कृष्ण देव उन्हें श्री योग माया की अंश संभूवत कहकर निर्देश किया करते थे। अंश संभूत है योग माया से, श्री योग माया की अंश संभूत है, तो ऐसा श्री राम कृष्ण देव कहते थे। तंत्र साधना के प्रभाव से दिव्य शक्ति प्राप्त कर श्री राम कृष्ण देव को एक और विषय की उपलब्धि हुई थी तथा श्री जगदम्बा की कृपा से उनको यह विदित हुआ था कि भविष्य में अनेक व्यक्ति उनके समीप धर्म लाभ के निमित्त उपस्थित हो कृतार्थ होंगे। ये श्री राम कृष्ण देव को पता लग गया, भविष्य में बहुत सारे ऐसे साधक आएंगे, उनके परम अनुगत मथुर बाबू तथा हृदय आदि से उन्होंने अपनी इस उपलब्धि की चर्चा की थी। हृदय से कहा था, मथुरनाथ जी से कहा था कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे श्री जगदम्बा की कृपा से दिव्य शक्ति प्राप्त कर। यह सुनकर मथुर बाबू ने कहा था, बाबा यह तो बहुत ही सुंदर बात है, हम सब मिलकर आपके साथ आनंद मनाएंगे। मथुर बाबू भी बहुत खुश हो गए कि बहुत साधक आएंगे, बहुत भक्त आएंगे और हम लोग आपके साथ बहुत आनंद मनाएंगे। तो यहाँ पे आज हम संपूर्ण करेंगे श्री राम कृष्ण देव की तंत्र साधना। भैरवी ब्राह्मणी भी अपने एक अभिष्ट मार्ग पसंद करके तीर्थ पर्यटन करते हुए अपने तपस्यामय जीवन को व्यतीत की और दक्षिणेश्वर त्याग कर श्री राम कृष्ण देव का संग छोड़कर वो फिर वहाँ से चले गए। और ये श्री राम कृष्ण देव की तंत्र साधना का जो अध्याय है यहाँ समाप्त होता है। हम अपनी अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार को अगले क्लास में फिर श्री राम कृष्ण देव की दिली और लीला की चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं।
ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।